हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अभी मेरी गार्डन के कुछ व्यू आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये है क्रेसेंथेमम फ्लावर्स। क्रेसेंथेमम फ्लावर्स बेसिकली नवंबर दिसंबर में ज़्यादा खिलते हैं, फिर भी अभी भी खिल रहे हैं मेरे गार्डन पे। और ये है डालिया फ्लावर्स, ये डालिया फ्लावर्स, और ये है जेनिया, और ये है अप्रिल फ्लावर्स, और ये है जैसा ही है छोटे छोटे फूल खिलते हैं, और ये है सदाबहार, और ये बुगेनविलिया है, और ये पूरा एक साथ बहुत सारे पौधे लगाया हुआ है। अभी ये फूल खिल रहा है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। ये पौधा है, ये भी इसमें भी फूल आएंगे, और ये डालिया है, मैं ये कटिंग करके लगाई थी, और ये अभी खिल रहे हैं फ्लावर्स। और भी है, ये है, ये भी इसमें भी फूल आएंगे अभी, और ये है एलोवेरा, और ये छोटे छोटे पौधे अभी निकल रहे हैं, और ये भी कटिंग से लगाया हुआ डालिया है, और ये बोरोकेंडुला अभी भी खिल रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर्स में, और ये है रजनीगंधा है ये, और ये मैं लाई थी अमेजन से, और अभी इसमें भी फूल आएंगे, और ये छोटा छोटा पौधा भी निकल रहे हैं। ये अप्रैल में जून जुलाई तक रहते हैं इसके फ्लावर्स, और ये भी फ्लावर्स खिल रहे हैं टॉप में, और ये इसको मैं लाई थी नर्सरी से 2 कलर के फूल खिल रहे हैं। ये लाइट पिंक है, और इसमें रेड भी है, और ये भी फूल खिल रहे हैं। ये है मोगरा और हिबिकस। ये एक ही हिबिकस प्लांट है, और इसमें 2-3 कलर के फूल आते हैं, और देखिए कितनी सुंदर से ऊपर तक फूल खिल रहे हैं। नीचे में ये देखिए मोगरा के बीच में एक रोज की फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, जैसे मोगरा के प्लांट में लगाया हुआ जैसा दिख रहा है। और ये है वाइट कलर की एक्जोरा, अभी एक्जोरा प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। और ये है एंथूरियम, और ये देखिए पत्ता बड़ा बड़ा से कलरिंग होके निकल रहा है, और ये है सदाबहार, और इसका नाम मुझे अच्छा से मालूम नहीं है, और ये भी गार्डन में खिल रहे हैं। और ये है हम लोगों के असम में टोगर फूल बोलते हैं, और ये हम लोगों के त्यौहार बिहू अभी आ रहे हैं, रंगाली बिहू या बोहाग बिहू में लड़कियां नाचते समय बालों में लगाती है। और ये है पत्ता बहार वाइट कलर की, ये पिंक कलर की है पत्ता बहार, और ये है कार्टन प्लांट। कार्टन मेरे पास 3 साल की वैरायटी है, और भी है बाद में दिखाऊंगी, ये भी कार्टन प्लांट ही है। और ये भी पत्ता बहार ही है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।